बच्चों, अब आज हम तुम्हें हिंदी का पार्ट दो चिड़ियाघर की सैर पढ़ाने जा रहे हैं। तो सब ध्यान से सुनना, ठीक है। और इसमें चिड़ियाघर के बारे में बताया गया है। एक लड़की है गीता, वो अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने गई, तो उसने क्या क्या देखा ये बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। क्या देखा था गीता ने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ है, और जब शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे बंदर को? मूंगफली और केला। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। क्या लिखा था बंदर के पिंजरे के पास? चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोली, दादाजी एक काले मुंह का बंदर। दादाजी वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। दादाजी यहाँ से काला होता है। एक जगह गैंडा दिखाई दिया। गैंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था। क्या था गैंडे की नाक पे? साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला धीरे धीरे टहल रहा था। देखो यहाँ पे बना हुआ है, तो ये जिराफ है। जिराफ की गर्दन लंबी होती है, ठीक है। जिराफ धीरे धीरे वहाँ पे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ खरगोश, क्या है ये? खरगोश है, जो कि दो पैरों पर खड़ा था। वहाँ पे गीता ने क्या देखा? खरगोश दो पैरों पर खड़ा है। एक तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। वहाँ एक तालाब था जिसमें मछली और बतख तैर थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते दिखाते हुए कहा। गीता ने क्या कहा दादाजी से? दूसरी ओर इशारा किया और दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। दादाजी ने उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह कछुआ है। दूसरी ओर इशारा करके दिखाया दादाजी वो देखिए पत्थर चल रहा है। तो दादाजी ने बताया कि वो कछुआ है। जब कछुए को डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। कछुए के ऊपर जो एकदम कोड़ा टाइट टाइट ही होता है, उसमें वो अपनी गर्दन और हाथ पैर छुपा लेता है जब वो डरता है। तो ये जो उसको ये पीछे का ऊपर का होता है, उसको बोलते हैं खोल। खोल इसका रक्षक होता है, दादाजी ने गीता को बताया। गीता दौड़कर आगे गई। एक तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। क्या तैर रहे थे? मगरमच्छ। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी का हाथ कुछ आगे बड़े से पिंजरे में बहुत सी चिड़ियाँ थीं। आगे देखा तो क्या थी? चिड़ियाँ थी बहुत सारी। गीता खुशी से नाच उठी और बोली, वो देखो हरियल। हरियल यानी तोता। वो देखो हरियल। गीता देखने लगी चिड़िया को और कहने लगी, दादाजी वो देखो हरियल यानी तोता। दादाजी बोले, हाँ यह तोता है। कुछ चिड़िया हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे तोता। दादाजी ने बोला, ये तोता है। कुछ चिड़िया अपने घर के आसपास भी दिखाई देती हैं, जैसे तोता। आगे बढ़ने पर नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? मोर। क्या कर रहा था मोर? नाच रहा था। दादाजी ने गीता को बताया कि ये सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग। ये यहाँ पे बना हुआ है,
लंबी सी इसकी गर्दन है एकदम, है ना, पतली सी, इसको शुतुरमुर्ग कहते हैं। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। कहाँ खड़ा था शुतुरमुर्ग? पेड़ की छाया में। चिड़िया घर में ऊँट और हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। किसकी? ऊँट और हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सामने आइसक्रीम का दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब दोनों थक चुके थे, गीता और उसके दादाजी दोनों बहुत थक चुके थे चिड़ियाघर घूमते हुए। वे चिड़ियाघर से बाहर आए, बस पकड़ी और अपने घर आ गए। अब बच्चों देखो, हम तुम्हें ये पाठ पूरा पढ़ा चुके तो इसके शब्द अर्थ बताते हैं, ठीक है। शब्द अर्थ देखो यहाँ पे हमने कॉपी में लिख कर रखा है, तुम्हें बता रहे हैं। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर किसे कहते हैं? प्राणी संग्रहालय, जहाँ पे प्राणियों को रखते हैं। लंगूर, काले मुँह का बंदर, लंगूर क्या होता है? काले मुँह का बंदर। गैंडा, एक जंगली प्राणी होता है गैंडा, ठीक है। कछुआ, एक जल जंतु, यानी जो जल में रहता है, पानी में रहता है। खोल, आवरण या गिलाफ, मतलब इसका ये हुआ जो कछुए के ऊपर का भाग होता है उसको उसका खोल कहा जाता है, और आवरण या गिलाफ, ठीक है। हरियल, हरियल तोता या हारिल, हरियल का अर्थ है तोता या हारिल। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग एक बड़ा पक्षी जिसकी गर्दन लंबी होती है। शुतुरमुर्ग का अर्थ है एक बड़ा पक्षी जिसकी गर्दन लंबी होती है। ठेला, लड्डू या गाड़ी, लड्डू यानी लादने वाला, यानी बोझ ढोने वाला। ठेला या ठेला का क्या अर्थ होता है? लड्डू या गाड़ी जो जिसमें बोझ ढोया जाता है, ठीक है। अब हम आपको इसके कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न के उत्तर बताते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, गीता किसके साथ चिड़ियाघर गई थी? गीता दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। किसके साथ गई थी? दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। प्रश्न नंबर दो, सब लोग कब डर कर पीछे हट गए? शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। कब डर कर पीछे हट गए? जब शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए। प्रश्न नंबर तीन है, लंगूर का मुंह कैसा होता है? उत्तर इसका है, लंगूर का मुंह काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। प्रश्न नंबर चार है, लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है? तो हमने अभी पढ़ाया था कि लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम शुतुरमुर्ग है। क्या है? शुतुरमुर्ग है। प्रश्न नंबर पाँच है, मगरमच्छ कहाँ तैर रहा था? तो उसका उत्तर है, मगरमच्छ तालाब में तैर रहा था। कहाँ तैर रहा था? तालाब में तैर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है अभ्यास, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सुंदर अक्षरों में लिखो। तो बस ये तुमको पढ़कर इसे उसके नीचे सुंदर अक्षरों में लिखना है। जैसे लिखा हुआ है, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई, तो उसके ठीक नीचे आप यही लिखोगे कि कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। फिर दूसरा लिखा हुआ है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। सेम टू सेम, यानी जैसे ऊपर लिखा है उसको नीचे लिखना है सुंदर अक्षर में, ठीक है। तीसरा है, गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था, उसके नीचे लाइनें दी हुई हैं, वहाँ पर तुम्हें लिखना है कि गेंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था। खोल इसका रक्षक है, सेम टू सेम वही नीचे आपको लिखना है। पांचवा है, देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है, वही आप लिखिए जो ऊपर लिखा हुआ है, वही सेम टू सेम नीचे लिखो। अब प्रश्न नंबर दो आया, ये आपको हम अभी बता चुके हैं लिखकर कॉपी में, ठीक है। तो वो सब अपना प्रैक्टिस करते रहना। अब आया स्वाध्याय, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर सारे प्रश्न के उत्तर लिखे हैं, वो सब पढ़ना और कर लेना तुम लोग कॉपी में।
लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? प्रश्न एक है, लोग बंदर को क्या खिला रहे थे? लोग बंदर को केला और मूंगफली खिला रहे थे। क्या खिला रहे थे? केला और मूंगफली खिला रहे थे। दूसरा प्रश्न है, बंदर के पिंजरे के पास क्या लिखा था? बंदर के पिंजरे के पास लिखा था कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। प्रश्न नंबर 3 है, दादा ने कछुए के बारे में गीता को क्या समझाया? तो दादा ने गीता को समझाते हुए कहा, जब इसको डर लगता है तो अपना हाथ पैर क्या करता है, खोल में छुपा लेता है। सबसे बड़ा पक्षी किसे माना जाता है? सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग को माना जाता है। किसे माना जाता है? शुतुरमुर्ग को माना जाता है। अब प्रश्न 2 देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है? दिए गए शब्दों में से सही शब्द पर गोला करो। जो शब्द सही है उस पर गोला बनाना है। तो मैंने सब करके आपको दिया, जैसे पहला देखिए आप, पिंजरा पिंजरा पिंजरा, तो पिंजरा सही है तो उस पर हम गोला करेंगे। दूसरा तालाब, तालाब तालब, पहला सही है तालाब तो उस पर गोला करेंगे। मगरमच्छ मगरमच्छ मगरमच्छ, तो हम मगरमच्छ पे करेंगे, दूसरा नंबर सही है इसमें। पत्थर 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 और पत्थर, तो तीसरा सही है, तो हम किस पे गोला करेंगे? तीसरे पे। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है नीचे, ठीक है, उसे बताते हैं। किसने किससे कहा, उस पे सही का निशान लगाना है। जैसे लिखा हुआ है पहला, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है दादाजी ने गीता से या गीता ने दादा से। दादा ने गीता से कहा। किससे ने कहा? किससे? दादा ने गीता से कहा। अब खा में दिया है, खोल इसका रक्षक है। दो ऑप्शन में दिया गया है, गीता ने दादा से या दादा ने गीता से। दादा ने गीता से बताया कि खोल इसका रक्षक है। अब उसके नीचे आप सब देखिए, लिखा हुआ है चौथे नंबर में, सही शब्दों से मिलान करो। अब इसमें हमने आपको मिलान करके सब दिखाया है। तो पहला है, जैसे काले मुंह का बंदर, काले मुंह के बंदर को क्या कहते हैं? लंगूर पे, तो लंगूर पे हम उसे मिलान कर देंगे। जहाँ विविध पशु पक्षियों को देखने के लिए रखा जाता है, आप सभी जानते हो कि जहाँ हर तरीके के पशु पक्षी प्राणी होते हैं उसे चिड़ियाघर कहते हैं, तो हम चिड़ियाघर से इसे मिला देंगे। नाक पर बड़े सींग वाला प्राणी, तो कौन सा है वो प्राणी? गैंडा, उसे गैंडे से मिलाओ। डर लगने पर हाथ पैर अपने खोल में छुपा लेता है, कौन है ये? कछुआ, हम किस पे मिलाएंगे? कछुआ पे। लंबी गर्दन वाला प्राणी कौन सा है? जिराफ, तो किस पे मिलाएंगे हम लोग? जिराफ। फिर उसके नीचे पांचवा प्रश्न है, वो है इन शब्दों का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बनाओ। कौन सा शब्द? जैसे लंगूर दिया है, रंग बिरंगी दिया है, लंगूर, तो इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो लंगूर का मुंह काला होता है, इस तरह से वाक्य बनाना है। दूसरे में दिया है रंग बिरंगी, तालाब में मछली रंग बिरंगी तैर रही थी, ठीक है। आगे हम आपको बताते हैं तीसरा और चौथा। तीसरा दिया है रक्षक, तो वाक्य बनाना है इसमें, तो खोल कछुए का रक्षक होता है, ये सब हमने आपको लिख कर दिया है, तो कर लेना सब। छाया, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा था। अब प्रश्न नंबर 6, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। प्रश्न दिए गए हैं उसमें सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न एक है, गीता अपने दादाजी के साथ कहाँ गई थी? ऑप्शन में अस्पताल, नासिक, चिड़ियाघर दिया गया है। चिड़ियाघर गई थी ना, तो इसीलिए हम चिड़ियाघर पे निशान लगाएंगे। खा में दिया गया, लंगूर का मुंह कैसा होता है? टेढ़ा, काला या डरावना? खा सही है, क्योंकि लंगूर का मुंह काला होता है, तो काला पे सही का निशान लगाओ।
गा, दादाजी ने गीता के लिए क्या खरीदा, स्वेटर, खिलौना या आइसक्रीम? तो क्या खरीदा था? आइसक्रीम। तो हम किस पे निशान लगाएंगे? आइसक्रीम पे। फिर प्रश्न नंबर 7, बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, तुम्हारे आसपास देखे जाने वाले पशु पक्षियों की आवाज़ें कैसे होती हैं, सोचकर मिलान करो। तो ये हमने आपको मिलान करके दिया है, आप सब देख लेना इसे। जैसे चिड़िया है वो कैसे करती है? ची ची। कौवा कैसे करता है? काँव काँव। बकरी कैसे करती है? मैं। घोड़ा हिन हिन। तोता टैं टैं करता है। चूहा चू चू। कुत्ता भौं भौं करता है। 8वां प्रश्न है, खाली स्थान में का, की, के और को लिखो। जैसे अब पहला है गीता अपने दादाजी, तो क्या आएगा? के साथ चिड़िया घर गई थी। दूसरे में उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी, क्या आएगा? के आएगा यहाँ पर। फिर तीसरा है चिड़िया घर के जानवरों को आएगा, हाँ खाना देना मना है। चौथे में क्या आएगा? का, लंगूर का मुंह काला होता है। पांचवे में आएगा गैंडे की नाक पर बड़ा सा सींग था, की आएगा पांचवे में। छठे में आएगा गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया, क्या आएगा? क छठे में। सातवें में आएगा दादा ने गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। बच्चों यहीं आपका पाठ ख़त्म होता है, अब आप लोग इसकी अपने अपने घर में प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? ओके।